एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी 15 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आई है, जिसका एक रीजन था कि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी। मेरे पैर में कुछ दिनों से बहुत दर्द था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट अब मेरी आगे वीडियोस आएंगी। पैर में दर्द तो अभी भी है, लेकिन काम तो करना ही है और वो मैं करूंगी। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लेके आ रही है जो हम वीडियोस में देखते हैं, अमेजोन में देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, तो हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसको ले या ना ले, क्योंकि वो चीजें देखने में काफी यूजफुल लगती हैं और कुछ चीजें रियल में काफी यूजफुल होती है और कुछ चीजें यूजफुल नहीं होती है, जो कि देखने में लेकिन सुंदर लगती है। और हम उन चीजों को काफी ऐसी वीडियोज में भी देख चुके होते हैं, जब मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस में देखे जिनके 1 मिलियंस फॉलोवर्स हैं, वो भी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि वो चीजें यूजफुल हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल नहीं होती है। मैं आपको 3-4 चीजें ऐसी दिखाऊंगी जो हमारे काम की भी हैं और हमारे स्पेस को ऑर्गेनाइज भी करती हैं, और एक चीज मैं आपको ऐसी दिखाऊंगी जो कि मैंने काफी वीडियोज में देखा और मतलब साइट्स पे भी देखा कि उसका बहुत यूजफुल है, बट जब मैंने मंगवाया तब मुझे वो यूजफुल नहीं लगी। वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। मैं जो भी चीजें आपको दिखाती हूँ बहुत प्रैक्टिकल वे में दिखाती हूँ कि उनका रियल में यूज होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, 2-3 चीजें मैंने ली हैं, उनका मैंने कैसे यूज किया और मुझे उनकी जरूरत क्यों पड़ी। ये मेरा काउंटर टॉप है, यहाँ पे ये चकला जो मेरा है ये हमेशा यही रहता है और तवा यही रहता है। मेरे को ये दोनों चीजें यहाँ पे बहुत मैसी लगती हैं, तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जिसको मैं इसको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख सकूं। तो मैंने इसके लिए ये किचन ऑर्गेनाइजर है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। पहले मैंने यहाँ पे कॉर्नर वाला मंगवाया था जो कि बहुत मैसी दिख रहा था, तो मैंने इसको अमेजोन पे देखा तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको मंगवाया है। इसको हम ऐसे रख के इसमें हम अपना ये तवा ये डोसे का दवा है इसको रख सकते हैं, और इसके अंदर मैं ये मेरा ये चकला ये रख सकती हूँ, और ये सब एक कॉर्नर पर भी पड़ा रहता है। ये ट्रे है, ट्रे अगर मैं ऐसे ही रखती थी तो वो गिर जाती थी, तो अब मैं इसको आराम से इसके पीछे रख सकती हूँ। ये भी ये वेजिटेबल कटिंग बोर्ड, इसको भी मैं आराम से इसके पीछे रख सकती हूँ। मेरे ये दोनों पर्पस सोल्व हो गए। ये देखिए, ये ना तो ये मैसी लगता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने अमेजोन से ही मंगवाया है, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये अगला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वॉल हुक है, ये मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। ये स्टिक भी बहुत अच्छे से होते हैं और ये मेड इन इंडिया ही है। ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं, इसका भी मैं आपको यूज बताती हूँ, इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं। ये बहुत काम का और चिपकता बहुत अच्छे से है, लेकिन इसका लिए चिपकाने के लिए आप ध्यान रखें प्लेन वॉल हो, टाइल हो, उस पर चिपकेगा। अगर मतलब टेढ़ी मेढ़ी वॉल हो तो उस पर ये नहीं चिपकेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दरवाजे के पीछे मैं यहाँ पे कपड़े टांगती हूँ, और मेरा एक प्रॉब्लम था कि हमारे यहाँ मुंबई में कपड़े सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो कपड़े बाहर बालकनी के बाहर सूखते हैं, और जब हम नहा के आते हैं तो हमारे टावल गीले रह जाते हैं। इनको सुखाने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो हम क्या करते थे कि इनको हम लोग यहाँ पे टांग देते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं, अनऑर्गेनाइज लगते हैं। तो इसके लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए था। जब मैंने ये देखे तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे और इनको मैंने मंगवाया, और यहाँ तो मेरे कपड़े दूसरे टंग जाते हैं जो कभी पहनने हैं, दोबारा पहनने होते हैं वो सब, तो टावल के लिए मुझे जगह चाहिए थी। टावल के लिए मैंने ये दीवार पे ये दो हुक लगाए हैं, यही वाले, ये देखिए कितने अच्छे से चिपके हैं और ये बहुत मजबूत भी है। यहाँ पे मैं आराम से टावल को टांग देती हूँ तो ये दरवाजे के पीछे भी हो जाते हैं, और इनको हम आराम से इजिली टांग देते हैं, और इनको पंखे की हवा भी लगती रहती है। एक यूज इसका ये है। दूसरा यूज मैं आपको बताती हूँ, हमारे पर्सेस वगैरह रहते हैं, हम पर्स को भी कहाँ पे रखें। कई बार हम लाते थे यहाँ पे टांग देते थे, जो कि अनऑर्गेनाइज ही दिखता था हर समय,
तो मैंने इन हुक्स को कबर्ड के अंदर लगाया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने पर्स को कैसे टांगा है। मैंने एक हुक को यहाँ पे टांगा है, ये अच्छे से चिपक गया। यहाँ पे मेरे दो पर्स आराम से टंगे हुए हैं, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, गिरते भी नहीं है, ये मजबूत है। ये इसका स्टिक, ये जो है ना अच्छे से स्टिक होता है, तो ये हमने यहाँ पे लगा गया। हमारी कबर्ड में पर्स भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए और इसका बहुत अच्छे से यूज किया है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये है वायर होल्डिंग क्लिप्स, इसके साथ ये टेप भी आती है जिसके साथ आप चिपका के इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए मैंने, इसको यूज कर सकते हैं, मेरी ये मिक्सी है, इसको मैं जब भी रखती थी तो ऐसे वायर, तो ऐसे वायर छूट जाती थी, तो ये मैसी सा दिखता है और वायर भी ऐसे हो जाती है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता और जगह भी ज्यादा ले लेता है। तो मैंने इसको मंगवाया और यहाँ पे चिपकाया है, जो ये टेप उन्होंने दी है उसके साथ चिपका के मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब हम वायर को अच्छे से फोल्ड करके इसके अंदर आराम से अटका सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये बैक नहीं जाएगा, बिखरेगा नहीं और यहीं पे टिका रहेगा, तो इसको हम कहीं पे भी अच्छे से रख सकते हैं। आप इसको डबल टेप से भी चिपका सकते हैं, डबल टेप से चिपकाने से यह और ही मजबूत रहेगा। अब मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जो कि मुझे यूज़फुल नहीं लगा। आप इसको देख रहे होंगे, ये हमने कई वीडियोस में देखा है और हमने साइट्स पे भी देखा है कि इसको दिखाते हैं कि हम कबर्ड के दरवाजे पे इसको लगा के आराम से उस दरवाजे को बंद करके यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर सामान रख सकते हैं। मैंने भी मंगवाया था, मैंने सोचा था कि मैं इसको जहाँ मैं अपना डस्टबिन रखती हूँ उस कैबिनेट के डोर पे लगा दूँगी और इसमें मैं डस्टबिन के गार्बेज बैग्स रखूँगी और थोड़ा सा सामान रख दूँगी। चलो देखते हैं इसका कितना अच्छा यूज़ होगा। लेकिन जब मैंने इसको मंगवाया और लगाया और जब मैंने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की तो ये डोर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। अगर दरवाज़ा ही अच्छे से बंद नहीं होगा तो फिर ये यूज़फुल कैसे होगा? मुझे तो ये यूज़फुल नहीं लगा, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई जो कि बहुत यूज़फुल भी थी और बहुत अच्छी भी थी, और ये एक चीज़ मैंने दिखाई, ये मुझे नहीं अच्छी लगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।